तो भैया आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे अपने पांडा माउस प्रो को पीसी यानी कंप्यूटर से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो ये एक्टिवेशन का प्रोसेस है ये बिल्कुल नई अपडेटेड स्क्रिप्ट के साथ होगा जो कि एंड्रॉइड 12 में भी काम करेगी और आपका कीबोर्ड और माउस भी परफेक्टली काम करेगा पांडा माउस प्रो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान बाय विवेक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक ज्ञान बाय विवेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं पांडा माउस प्रो मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ अपने फोन पे और ये अभी एक्टिवेटेड नहीं है। तो सबसे पहले एक्टिवेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है अपने फोन का। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है, सेटिंग में आपको अबाउट फोन के अंदर जाना है। अबाउट फोन के अंदर आपको अपना बिल्ड नंबर सर्च करना है, बिल्ड नंबर पे 7 बार क्लिक करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं 7 बार क्लिक कर रहा हूं और 7 बार क्लिक करने के बाद आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल होने के बाद आपको पीछे जाना है और डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा एडिशनल सेटिंग के अंदर डेवलपर ऑप्शन है, कुछ लोगों का सिस्टम के अंदर होता है तो आपको डेवलपर ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं डेवलपर ऑप्शन, उसके बाद जाके यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स इनेबल करनी है। तो सबसे पहली सेटिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं यूएसबी डिबगिंग सिक्योरिटी सेटिंग। तो सबसे पहले आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको यूएसबी डिबगिंग सिक्योरिटी सेटिंग भी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो अगर आपके फोन में MIUI है, यानी कि अगर आपका फोन रेडमी रियलमी या फिर पोको का है, तो आपको ये वाली सेटिंग देखने को मिलेगी। तो आपको इसको भी जरूर इनेबल करना है दोस्तों, और अगर आपके फोन में ये सेटिंग नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद एक और सेटिंग है जैसा कि आप देख रहे हैं डिसेबल परमिशन मॉनिटरिंग की सेटिंग। तो अगर आपके फोन में ये वाली सेटिंग भी है तो आपको इसको भी इनेबल करना पड़ेगा। तो बस इतनी ही सेटिंग्स इनेबल करनी थी दोस्तों। इसके बाद अब आप अपने पांडा माउस प्रो ऐप में जा सकते हैं। अब इसके बाद आपको अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन की ओरिजिनल डेटा केबल लगेगी। तो जैसा कि देख रहे हैं ये मेरे पास ओरिजिनल डेटा केबल है, तो आपको यहाँ पे दोनों को कनेक्ट कर लेना। तो फटाफट मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इसे अपने ओरिजिनल डेटा केबल से कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको नो डेटा ट्रांसफर पे क्लिक करना है और अपने फोन को यहाँ पे रख देना है। इसके बाद आपको कुछ काम लैपटॉप में करना पड़ेगा। तो लैपटॉप में आपको ये वाली वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो वहां से आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिवेटर फॉर विंडोज डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रार फाइल है, बस आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका ये एक्टिवेटर फॉर विंडोज डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे, शो इन फोल्डर करेंगे, तो आप देखेंगे ये एक बेसिकली रार फाइल है। तो इसके लिए आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको विनरार या फिर आपको 7zip ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, तभी आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको मैं एक zip फाइल का लिंक भी दे दूंगा, मीडिया फाइल का लिंक, जैसे कि आप देख रहे हैं ये लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट zip फाइल। ये देख रहे हैं जैसे कि zip फाइल डाउनलोड हो रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ exe फाइल है, इसलिए विंडोज इसको डाउनलोड करने नहीं देता। इसीलिए बाय डिफॉल्ट पांडा वाले इसे रार फाइल में डाउनलोड कराते हैं और एक्सट्रैक्ट कराते हैं, लेकिन मैंने इसे zip फाइल में कन्वर्ट कर रखा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसे बेसिकली यहाँ पे क्लिक करके इसे कीप पे क्लिक करना है। तो कीप यानी कि ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे शो करेंगे और शो करके यहाँ पे शो इन फोल्डर में जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये बेसिकली ये दिख गया, ये डाउनलोड हो चुका है zip फाइल। अब आप इसे अनजिप कर सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारी फाइल्स आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिवेट डॉट पैच फाइल आपको एक दिखेगी, ठीक है। इसके बाद बस आपको ये वाली फाइल क्लिक कर देनी है। डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप फोन में देखेंगे, फोन में कुछ ऑप्शन आएगा अलाउ यूएसबी डिबगिंग का, तो आप इसे ऑलवेज पे क्लिक करके इसे अलाउ कर दें। बस आपको इतना ही करना है फोन में। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे रीट्राई वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे आप रीट्राई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक्टिवेशन कंप्लीटेड, तो यहाँ पे एक्टिवेशन कंप्लीट हो चुका है। और आप यहाँ पे फोन में भी देखेंगे तो थोड़ी देर में ये एक्टिवेटेड आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं एक्टिवेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो ये बेसिकली एक्टिवेशन नई वाली स्क्रिप्ट से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एंड्रॉइड 12 में अनट्रस्टेड टच का भी एक इश्यू आता है कि आपका जब भी आप गेम ओपन करते हैं पांडा माउस प्रो से तो वो टच नहीं होता। उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक कमांड चलानी पड़ेगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कमांड चलानी है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो फोल्डर का ऊपर है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिकली CMD टाइप करना पड़ेगा। CMD देख रहे हैं, CMD टाइप करेंगे तो आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अनट्रस्टेड टच को अनब्लॉक करने वाली एक कमांड चलानी पड़ेगी, तभी ये एंड्रॉयड 12 में भी परफेक्टली वर्क करेगा। तो वो कमांड मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं।
और अगर आपको वहाँ से कॉपी ना कर पाए तो मैंने अपने ब्लॉग का लिंक भी दे रखा है, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं बड़ी ईजिली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये पीसी के लिए ये वाली कमांड है, एडीबी से उठानी है आपको और यहाँ पे जीरो तक ले जानी है, इसको कॉपी करनी है और जो कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन किया था यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बस आपको यहाँ पे एंटर मार देना है और आपका ये परफेक्टली अनट्रस्टेड टच इवेंट अनब्लॉक हो चुका है आपके एंड्रॉयड 12 में। अब आपका ये एक्टिवेट हो चुका है और परफेक्टली काम करेगा एंड्रॉयड 12 में। अब आप इसे निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आप देख रहे हैं ये डीएक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन किसी किसी फोन में ये डीएक्टिवेट हो जाता है निकालने के बाद, तो उसके लिए भी आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इसे दोबारा डीएक्टिवेट कर लिया है आपको वो प्रोसेस दिखाने के लिए, जिसमें आपका बेसिकली डीएक्टिवेट हो जाता है वायर निकालने के बाद। तो उसके लिए आपको दोबारा ये वायर कनेक्ट करनी है, ठीक है, और उसके बाद आपको वो टूल में चले जाना है, ये वाला टूल जहाँ पे एक्टिवेट डॉट बैच फाइल थी आप देख रहे हैं। अब बेसिकली आपको एक्टिवेट वाईफाई डॉट बैच फाइल से एक्टिवेट करना पड़ेगा, लेकिन इसको करने से पहले आपका फ़ोन एक वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा एक फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड है, और उसके बाद आपका जो बेसिकली ये पीसी है वो भी सेम वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, जियो फाइबर से, तो ये ज़रूरी है, तभी आपका बेसिकली वो वाईफाई के थ्रू एक्टिवेट होगा और आपका केबल निकालने पर डीएक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एक्टिवेट वाईफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने क्लिक कर दिया है, यहाँ पे कनेक्टेड आ गया है, और इसके बाद आपको कुछ मैसेज आएगा कि भैया अब आप अपने प्लग को अनप्लग कर दें, यानी कि अपने वायर को निकाल दें। तो मैंने अपने वायर को निकाल दिया, ठीक है, इसको मैं अलग से रख दूंगा। अब जो एक्टिवेशन होगा वो वाईफाई के थ्रू होगा दोस्तों, वायर के थ्रू नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आपको रीट्राई वाला ऑप्शन क्लिक करना है, उसके बाद आप देख रहे हैं ये एक्टिवेशन कंप्लीट यहाँ पे आ गया बिना वायर के, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं परफेक्टली ये एक्टिवेट भी हो चुका है। तो यानी कि ये बिना वायर के वाईफाई के थ्रू एक्टिवेट हुआ है, तो इसमें आपका डीएक्टिवेट नहीं होगा, तो ये डीएक्टिवेशन वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई। तो उसके बाद आप अपने कीबोर्ड और माउस को यहाँ पे अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ओटीजी केबल लगाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे यूएसबी हब लगाया हुआ है, उसके बाद आप अपने कीबोर्ड और माउस को वन बाय वन इसमें लगाएं, क्योंकि एक साथ लगाने पे ऐसा हो सकता है कि या तो कीबोर्ड काम ना करे या तो आपका माउस ना काम करे, इसलिए आपको वन बाय वन ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे थ्री डिवाइस कनेक्टेड आ गया है। तो यहाँ पे मैं कोई गेम ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि फ्री फायर मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गेम ओपन हो चुका है, पांडा माउस प्रो का आइकन भी आ चुका है और सारी की मैपिंग भी आ चुकी है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये परफेक्टली सारा कुछ काम भी करने लगा है। यहाँ पे माउस मोड और शूट मोड का जो बटन शॉर्टकट रख रखा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं माउस की थ्री वाली बटन, बीच वाली बटन रख रखी है, तो इससे मेरा माउस मोड और शूट मोड बेसिकली स्विच हो जाता है। तो ये भी परफेक्टली काम कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं माउस चला गया और यहाँ पे माउस काम करने लगा, और यहाँ पे बीच वाली बटन दोबारा दबाऊंगा तो ये माउस आ जाएगा और मैं कोई भी यहाँ पे एक्शन कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है, यहाँ पे कीबोर्ड भी काम कर रहा है और माउस भी परफेक्टली काम कर रहा है। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है दोस्तों कि अगर आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे तो आपको ये एक्टिवेशन का प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि रीस्टार्ट करने पे पांडा माउस को डीएक्टिवेट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियोज जो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।